तो ये कहा जा रहा है कि अगस्त के अंदर 137,000 बिटकॉइन जो है माउंट गॉक्स के केस से रिलेटेड यहाँ पर अनलॉक हो सकते हैं, लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और एक मैसिव डंप हमको क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिल सकता है। हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माउंट गॉक्स के बारे में, जो वन ऑफ दी ओल्डेस्ट एक्सचेंज था। इनफैक्ट अगर हम बात करें, जब एक्सचेंजेस का ट्रेंड भी नहीं आया था, वहां पर सबसे पहले जो क्रिप्टो एक्सचेंज आया था वो था यहाँ पर माउंट गॉक्स, जो एक बिटकॉइन एक्सचेंज था और ये लॉन्च हुआ था टोक्यो जापान के अंदर 2010 के अंदर। एंड अगर आप बात करेंगे उस टाइम पे, क्योंकि बिटकॉइन नया था, इतने एक्सचेंजेस नहीं थे, ऑलमोस्ट 70% ऑफ ऑल द बिटकॉइन ट्रांजेक्शन जो यहाँ पर हो रहे थे वो इसी एक्सचेंज के ऊपर होते थे। जैसे आज के डेट में आप बाइनेंस को एक तरह से मान सकते हैं, तो उस टाइम पे यहाँ पर माउंट गॉक्स था, विच वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज एंड जिसपे सबसे ज्यादा बड़े वॉल्यूम की ट्रेडिंग जो होती थी वो इसी एक्सचेंज पे होती थी। अब आगे बढ़ने से पहले माउंट गॉक्स की थोड़ी सी जन्म कुंडली या हिस्ट्री जो है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 2007 के अंदर एक प्रोग्रामर जेड मैकैलेब, वो ऑनलाइन एक गेम खेलते थे, मैजिक द गैदरिंग ऑनलाइन। तो उस गेम से इंस्पायर होके उन्होंने माउंट गॉक्स को यहाँ पर बनाया, जहाँ पर उन्होंने डोमेन को रजिस्टर किया, जहाँ पर प्लेयर्स मैजिक द ऑनलाइन गैदरिंग के अंदर उनके जो कार्ड्स होते थे उसको इस वेबसाइट के ऊपर ट्रेड कर सकते थे स्टॉक्स की तरह। तो इसी कारण से मैजिक द ऑनलाइन गैदरिंग एक्सचेंज, तो इसलिए माउंट गॉक्स ये उन्होंने यहाँ पर नाम रखा। अब ये फैंटेसी बेस्ड कार्ड ट्रेडिंग जो थी अच्छी चल रही थी वेबसाइट के ऊपर, लेकिन 2010 के अंदर जेड मैकैलेब को बिटकॉइन के बारे में पता चला। तो उन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर मेरा जो माउंट गॉक्स है इसको फैंटेसी कार्ड से कन्वर्ट करके इसको मैं एक बिटकॉइन एक्सचेंज ही बना देता हूँ, ताकि लोग जो है यहाँ पर बिटकॉइन को ट्रेड कर पाए। जुलाई 2010 के अंदर उन्होंने यहाँ पर अपना बिटकॉइन एक्सचेंज माउंट गॉक्स लॉन्च कर दिया। अब माउंट गॉक्स यहाँ पर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, इनफैक्ट काफी लोग बिटकॉइन को ट्रेड करने के लिए माउंट गॉक्स को यहाँ पर यूज कर रहे थे एज एन एक्सचेंज। लेकिन मार्च 2011 के अंदर जेड मैकैलेब ने यहाँ पर माउंट गॉक्स को फ्रेंच डेवलपर मार्क करपेलेस को सेल कर दिया इन एक्सचेंज फॉर 6 months ऑफ रेवेन्यू, कि 6 महीने में जो भी रेवेन्यू आएगा वो आप मुझे पे बैक कर देना। और एक थोड़ा सा यहाँ पर आपको फन फैक्ट बताता हूँ, जेड मैकैलेब ने जब यहाँ पर माउंट गॉक्स को सेल किया उसके बाद वो एज ए CTO ज्वाइन हुए थे रिपल के अंदर, जहाँ पर उन्होंने डेविड स्वाट्स एंड यहाँ पर क्रिस लार्सन, इनको भी यहाँ पर जेड मैकैलेब ने हायर किया था। उसके बाद जब उन्होंने रिपल को छोड़ा उसके बाद उन्होंने यहाँ पर फाउंड किया स्टेलर लूमन। अब मार्च 2011 के बाद यहाँ पर माउंट गॉक्स के नए ओनर मार्क करपेलेस बन गए और उन्होंने भी यहाँ पर मेहनत करी इस एक्सचेंज को और आगे बढ़ाने में। और जैसे जैसे बिटकॉइन मार्केट, क्रिप्टो करेंसी मार्केट यहाँ पर और आगे बढ़ा, मेजर बिटकॉइन ट्रेडिंग सिर्फ माउंट गॉक्स पे होने लग गई, जहाँ पर 70% ऑफ द ट्रांजेक्शन सिर्फ माउंट गॉक्स पे यहाँ पर होते थे। अब सब कुछ यहाँ पर अच्छा चल रहा था अंटिल फरवरी 2014। एंड अगर हम बात करें उस टाइम पे बिटकॉइन ने अपना फ्रेश बुल रन जो था उसको फिनिश किया था। इन करेक्शन में बिटकॉइन यहाँ पर था, जहाँ पर बिटकॉइन $1,100 पे जाने के बाद डंप करके ऑलमोस्ट $500-600 पे ट्रेड करा था। लेकिन 24 फरवरी 2014 को माउंट गॉक्स की वेबसाइट एकदम से ऑफलाइन हो गई। अब जाहिर सी बात है लोग यहाँ पर काफी पैनिक के अंदर आ गए, लेकिन ये पैनिक और बढ़ गया जब एक कंपनी का डॉक्यूमेंट लीक हुआ, जिसके अकॉर्डिंग उस डॉक्यूमेंट का बोलना ये था कि यहाँ पर माउंट गॉक्स ने एक थेफ्ट के अंदर लूज कर दिया यहाँ पर 744,408 बिटकॉइन और अब माउंट गॉक्स जो है वो यहाँ पर इंसॉल्वेंट है। अब ये देख के जनता के बीच में पैनिक जो था वो और इंटेंसिफाई यहाँ पर हो गया। कुछ सीनियर उस टाइम पे जो बिटकॉइन के एडवोकेट्स थे उन्होंने भी यहाँ पर माउंट गॉक्स को लेके अपनी तरफ से स्टेटमेंट इशू करी। I'm Roger Ver, longtime Bitcoin advocate and investor. Today I'm at the Mt. Gox World Headquarters in Tokyo, Japan. I had a nice chat with Mt. Gox CEO Mark Karpeles about their current situation. He showed me multiple bank statements as well as letters from banks and lawyers. I'm sure that all the current withdrawal problems at Mt. Gox are being caused by the traditional banking system, not because of a lack of liquidity at Mt. Gox. बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो लीक डॉक्यूमेंट था वो यहाँ पर करेक्ट निकला एंड माउंट गॉक्स ने यहाँ पर अनाउंस किया कि वो यहाँ पर एक थेफ्ट का शिकार बन चुके हैं और वो यहाँ पर बैंकक्रप्ट हैं। Big blow now for Bitcoin. The Mt. Gox Bitcoin exchange filing for bankruptcy this morning. Its CEO saying over 750,000 bitcoins are unaccounted for, and that's worth about several $100 million. The CEO of Mt. Gox announced the news on Japanese TV. He apologized, bowed deeply for several minutes straight. This is his first public appearance since rumors of insolvency at Mt. Gox had surfaced last month. जहाँ पर उनका बोलना यह था कि काफी टाइम से यहाँ पर माउंट गॉक्स के ऊपर हैक हो रहे थे और वो अनडिटेक्टेड यहाँ पर गए। जहाँ पर मार्च 2011 के अंदर यहाँ पर जेड मैकैलेब ने माउंट गॉक्स को मार्क करपेलेस को यहाँ पर सेल किया था और जैसे ही यहाँ पर मार्क करपेलेस ओनर बने माउंट गॉक्स के, उसके 3 महीने के अंदर ही जून 2011 को
पहला यहाँ पर हैक माउंट गॉक्स के ऊपर हुआ था, जहां पर जो माउंट गॉक्स के ऑडिटर थे उसका कंट्रोल किसी तरह से हैकर ने यहाँ पर ले लिया और उन्होंने यहाँ पर बिटकॉइन की जो प्राइस थी उसको चेंज कर दिया था 1 सेंट के अंदर। अब यहाँ पर ये जो पहला हैकिंग अटैक हुआ था ये तो हुआ था जून 2011 के अंदर, लेकिन उसके आने वाले 2 साल के अंदर भी यहाँ पर हैकर धीरे धीरे यहाँ पर कस्टमर के जो वॉलेट है उसमें से बिटकॉइन एक्सचेंज पे से विड्रॉ करते रहे, ताकि यहाँ पर एक्सचेंज को भी पता नहीं चले कि कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। साथ में यहाँ पर ओवरऑल इन्होंने जो यहाँ पर फंड्स को विड्रॉ किया और पूरे हैक के अंदर जो बिटकॉइन चोरी किए वहाँ पर कस्टमर के ऑलमोस्ट उन्होंने 740,000 बिटकॉइन जो है यहाँ पर चोरी किए, एंड माउंट गॉक्स के खुद के भी 100,000 बिटकॉइन थे वो भी यहाँ पर उन्होंने चोरी कर लिए, जो रफली उस टाइम पे जो बिटकॉइन की प्राइस थी उसके अकॉर्डिंग इट कम्स डाउन टू अराउंड $460 मिलियन। लेकिन ये जो इतने सारे बिटकॉइन उस टाइम पे चोरी हुए थे वो अप्रॉक्सीमेटली 7% थे टोटल बिटकॉइन के सप्लाई के, जो बहुत बड़ा नंबर यहाँ पर बन जाता है। बट एनीवेज यहाँ पर हैकर ने काफी सारे बिटकॉइन चोरी कर लिए थे। इनफैक्ट ये भी बोला जा रहा था कि 80,000 बिटकॉइन यहाँ पर मार्क किरपेलेज ने जेड मैकेलेब से माउंट गॉक्स को बाय किया उससे पहले से ही यहाँ पर मिसिंग थे। अब ये सारे जब इवेंट हुए तो देर और दुरुस्त काफी टाइम बाद जागे, लेकिन फाइनली जागे जहाँ पर एक्सचेंज को रियलाइज हुआ कि अब तो हमारे पास कोई बिटकॉइन यहाँ पर बचा ही नहीं है। एंड फाइनली उन्होंने जब इनकी ट्रेडिंग वगैरह स्टॉप करी, एक्सचेंज बंद हो गया, क्वेश्चन आने लगे, इन्होंने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया 2014 के अंदर और बोला कि हमारे एक्सचेंज के ऊपर इतना बड़ा हैक हुआ है और ये सारे जो इवेंट्स हैं इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी आता है कि इस एक्सचेंज को हैक किसने किया। तो कुछ लोगों का यहाँ पर ये मानना है कि अलेक्जेंडर विनिक, जो एक बिटकॉइन एक्सचेंज BTC-E जो एक कॉम्पिटिटर एक्सचेंज था उसको रन करते थे, उनको पता है कि यहाँ पर हैकर्स कौन है क्योंकि उनके एक्सचेंज को यहाँ पर यूज भी किया गया था माउंट गॉक्स से जो कुछ बिटकॉइन चोरी हुए थे उसको यहाँ पर लॉन्डर करने के लिए। बट इसको प्रूफ करने के लिए कोई एविडेंस यहाँ पर नहीं है। कुछ लोगों का यहाँ पर यह भी मानना है कि मार्क किरपेलेज जो है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर एक्सचेंज को एक्वायर किया और उसके 3 महीने बाद ये चीज़ें यहाँ पर हो गई और इतने लंबे टाइम तक बिटकॉइन यहाँ पर एक्सचेंज से निकल रहे थे और उनको कुछ भनक भी नहीं लगी, ये बात जो है थोड़ी हजम यहाँ पर नहीं हुई है, तो हो सकता है डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है इन्होंने खुद यहाँ पर करी है। और कुछ लोगों का यहाँ पर यह भी मानना है कि यहाँ पर 80,000 बिटकॉइन जो थे वो पहले ही यहाँ पर चोरी हो गए थे और जब यहाँ पर जेड मैकेलेब ने रिकग्नाइज किया इस चीज़ को तो उस चीज़ से बचने के लिए इन्होंने फटाफट यहाँ पर अपने एक्सचेंज को जितनी जल्दी वो बेच सकते थे उन्होंने यहाँ पर बेचा। और कुछ लोगों का यहाँ पर बोलना ये भी है क्योंकि उन्होंने एक्सचेंज को बनाया था उनको शायद सिक्योरिटी फ्लॉज यहाँ पर पता थे, मे बी उन्होंने यहाँ पर किया हो। तो अलग अलग यहाँ पर लोगों के एक तरह से व्यू पॉइंट है, लेकिन एविडेंस किसी भी चीज़ को लेके यहाँ पर अभी तक सामने नहीं आई है। बट आपको क्या लगता है कौन हो सकता है यहाँ पर हैकर, कमेंट में डाल के जरूर बताना, साथ में लाइक का बटन जो है वो भी दबा देना। अब इस हैक के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर यही था कि लोगों के यहाँ पर फंड्स का होगा क्या। हैक तो यहाँ पर हो गया, गलती किसी की भी हो, हैक किसने भी किया हो, पैसे यहाँ पर यूजर्स के गए, तो उनको यहाँ पर पैसे वापस कैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर टोटल अगर आप देखेंगे जो रिपोर्टेड फिगर है 850,000 बिटकॉइन का था जो यहाँ पर माउंट गॉक्स से चोरी हुआ था। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ टाइम बाद ही जब लोग यहाँ पर काफ़ी पैनिक में आ गए, लोग सड़क पे उतर आए बोर्ड लेके कि हमारे पैसे वापस दो माउंट गॉक्स यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर माउंट गॉक्स ने ये अनाउंस किया कि उन्होंने यहाँ पर एक जून 2011 के अंदर उन्होंने यहाँ पर अपना एक कोल्ड वॉलेट जो था वो बनाया था। कोल्ड वॉलेट बेसिकली एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो इंटरनेट से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता, जब तक आप उसको कनेक्ट नहीं करते आप कहीं पर भी उसको स्टोर कर सकते हैं, USB की तरह होता है। तो यहाँ पर कोल्ड वॉलेट जो है उनका एक था जिसके अंदर उन्होंने देखा कि 200,000 बिटकॉइन जो है हमारे पास इस कोल्ड वॉलेट के अंदर बचे हुए हैं। बड़ा ही थोड़ा सा क्रेजी है कि मतलब इतने ज़्यादा बिटकॉइन और सारी चीज़ें आपको पता ही नहीं है कि आपने कहाँ पर क्या रखा हुआ है और आपने रिपोर्ट कर दिया 850,000 चोरी हो चुके हैं। बट एनीवेज उन्होंने बोला कि यहाँ पर कोल्ड वॉलेट के अंदर हमको 200,000 बिटकॉइन मिल गए हैं। तो ओवरऑल फिर ये हैक जो था 650,000 बिटकॉइन का बन गया था, जो रफली उस टाइम के अराउंड 400 मिलियन उसके आसपास ही आप मान सकते हैं। तो फिर ये हुआ कि अब ये जो बिटकॉइन मिल गए हैं इस बिटकॉइन को वापस यहाँ पर कस्टमर्स या यूजर्स जो हैं उनको पे बैक करना है, लेकिन किस तरह से पे बैक करेंगे क्योंकि उस टाइम पे जो बिटकॉइन की प्राइस थी उसके अकॉर्डिंग 650,000 तो चोरी हो चुके हैं, सिर्फ 200,000 यहाँ पर बाकी हैं, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। उसी को लेके लॉ सूट और इन्वेस्टिगेशन और सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर चालू हुई। साथ ही में यहाँ पर जो ये 200,000 बिटकॉइन थे इनको भी यहाँ पर ट्रस्ट के अंदर रखा गया ताकि माउंट गॉक्स का कंट्रोल उस पर नहीं रहे, और जब तक यहाँ पर लिटिगेशन चल रहा है इन 200,000 बिटकॉइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यहाँ पर ट्रस्टी नुओबी कोबायाशी को दी गई। अब यहाँ पर ये लिटिगेशन और इन्वेस्टिगेशन तो चलती रही, लेकिन जहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस जब माउंट गॉक्स का हैक हुआ उस टाइम पे $500-600 के अराउंड थी, वो 2017 के अंदर यहाँ पर $20,000 पहुँच गई। ऑब्वियसली यहाँ पर 200,000 बिटकॉइन जो थे जिसकी पहले वैल्यू कम थी अब यहाँ पर वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी।
अब 2017 का जब बुल रन आया तो बुल रन के बाद बेयर मार्केट भी आता है जहां पर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर फिर से हमको करेक्शन देखने को मिला। और जब ये करेक्शन हुआ तो मार्केट में फिर से एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई और उसी पैनिक सिचुएशन के अंदर शिकार बन गए हमारे मिस्टर कोबायाशी, जिनको लगा मार्केट क्रैश कर रहा है तो एटलीस्ट यहां पर जो बिटकॉइन क्रेडिटर्स को पे बैक करने कुछ सेल करके जो एक्चुअल अमाउंट है वो तो यहां पर निकाल लेता हूं मैं, जो 300-500 मिलियन डॉलर जो भी यहां पर बनता था जो एक्चुअल में लोगों के यहां पर लॉस्ट हुए थे। तो उन्होंने यहां पर 2018 के अंदर अराउंड 35,800 बिटकॉइन जो है यहाँ पर सेल किए, और उन्होंने ये सेल किए थे स्पॉट मार्केट के ऊपर, जिसके अगेंस्ट में यहाँ पर क्राकेन के सीईओ जो है उनका बोलना ये है कि मैंने उनको बताया भी था कि अगर आप सेल करो तो इसको आप ओटीसी मार्केट पे करना, ओटीसी मार्केट होता है ऑफ एक्सचेंज ट्रेड, जिससे मार्केट पे इतना इंपैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन मिस्टर कोबायाशी ने यहाँ पर उनकी बात नहीं सुनी, वो पेपर हैंड निकले और उन्होंने फटाफट यहाँ पर बिटपॉइंट एक्सचेंज को यूज़ करके 35,800 बिटकॉइन जो है सेल किया, और जब उन्होंने सेल किया था तो मार्केट पे भी उसका इंपैक्ट जो था वो हमको देखने को मिला था। बट नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 200,000 बिटकॉइन थे, उसमें से 35,000 के अराउंड जो बिटकॉइन थे वो सेल कर दिए, बाकी थोड़े एक्सपेंसेस भी चलिए मान लीजिए यहाँ पर हो गए, लेकिन अभी भी काफ़ी मेजर अमाउंट ऑफ बिटकॉइन जो है अराउंड 140,000 बिटकॉइन जो है अभी भी बाकी हैं जो यहाँ पर मार्केट के अंदर सेल होने बाकी है। साथ में ये भी मत भूलिए कि बिटकॉइन जो है उसके अलग अलग फॉर्क भी यहाँ पर हुए हैं, तो बिटकॉइन कैश, बिटकॉइन एसवी और भी जो फॉर्क है वो भी कॉइन है जो यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट पे सेल करने हैं, एंड वो सबके सब अभी भी ट्रस्टी यहाँ पर होल्ड करते हैं, जिसको लेके एक रिहैबिलिटेशन प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया था जो फाइनली अब अप्रूव हो चुका है। तो 140,000 बिटकॉइन जो $3 बिलियन बन जाते हैं वो अब यहाँ पर अनलॉक होके लोगों को वापस रिफंड करे जा सकते हैं, जहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आपको बिटकॉइन में चाहिए तो आप बिटकॉइन में रिफंड ले सकते हैं, बिटकॉइन कैश में चाहिए तो उसमें ले सकते हैं, नहीं तो अगर कैश में चाहिए तो उसमें भी आप ले सकते हैं। साथ में यहाँ पर फॉग्ड कॉइन्स भी हैं जो मार्केट में यहाँ पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि सेल हो, डिपेंडिंग ऑन लोगों को किस तरह से यहाँ पर अपने फंड वापस चाहिए। तो उसी को लेकर यहाँ पर एक ब्लैक स्वान इवेंट की बात हो रही है कि जैसे यहाँ पर 2018 के अंदर मिस्टर कोबायाशी ने यहाँ पर काफ़ी बिटकॉइन को मार्केट में सेल कर दिया था, वैसे ही अब जब ये बिटकॉइन अनलॉक होंगे और लोगों को मिलेंगे तो लोग मार्केट कंडीशन देखते हुए अगर सेल करेंगे तो हो सकता है हमको सिमिलर ब्लैक स्वान इवेंट जो है इस बार भी मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। बट हिस्ट्री में एक चीज हमेशा हमने नोटिस करी है, जिस इवेंट के लिए लोग पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं और पहले से उसको बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे होते हैं और जिसके बारे में हर एक घर का जो बच्चा बच्चा जानता है वो एट टाइम्स ऑपोजिट यहां पर प्ले आउट कर जाते हैं। बट एनीवेज, आपको क्या लगता है क्या इस चीज का इंपैक्ट यहां पर आएगा कि नहीं आएगा, तो आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं इन सारी चीजों के बारे में आप डेफिनेटली बताना। एंड आई होप आज का जो वीडियो है इसको देखने के बाद अब आपको पता चल गया पूरी माउंट गॉक्स की यहाँ पर हिस्ट्री एंड एक्चुअल में यहाँ पर हो क्या रहा है। तो आपके जो भी व्यू पॉइंट्स है, कमेंट्स है, कौन लगता है आपको हैकर है, कैसे ये हैक हुआ, क्या हुआ, आप डेफिनेटली बताना। और एक चीज हमको इससे यहाँ पर ये भी पता चलती है, चाहे आपका कितना ही ट्रस्टेड एक्सचेंज हो, कितना ही बड़ा एक्सचेंज हो, नॉट योर कीज, नॉट योर बिटकॉइन, नॉट योर क्रिप्टो। तो इसलिए हमेशा मेक श्योर करिए कि अगर आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट है अपने आप कोल्ड वॉलेट के अंदर यहाँ पर होल्ड करिए, बिकॉज एक्सचेंज जब तक अच्छे चल रहे हैं तब तक अच्छे, तब तक सिक्योर है, और एक एक्सचेंज सिक्योर तब तक ही रहता है जब तक वो हैक नहीं हो जाए, जो कभी भी यहाँ पर हो सकता है। तो इसलिए इन द एंड इट इज योर मनी, तो आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद यहाँ पर लेनी काफी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड डू लेट अस नो योर व्यूज इन द कमेंट्स। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।